हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिस इज़ माय चैनल। तो आज हम लखनऊ का जो है अम्बेडकर पार्क उसे एक्सप्लोर करने वाले हैं, और ये हमारे साथ हैं हमारे फ्रेंड अंशुल हेलो। श्रीवास्तव। तो अभी अभी नया नया हम लोगों ने चैनल बनाया है और ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है, तो मैं थोड़ा अंदर से नर्वसनेस भी है। तो जो भी गलती होगी उसको इग्नोर करिएगा और जुड़े रहिए। आज हम आपको एक्सप्लोर करते हैं लखनऊ अम्बेडकर पार्क। तो हम लोग आ चुके हैं अंबेडकर चौराहा, और आपको मेरे लेफ्ट हैंड पे जो बाउंड्री दिख रही है ये अंबेडकर पार्क की ही बाउंड्री है। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अंबेडकर पार्क। बस कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे हम लोग, ज़्यादा दूर नहीं है अंबेडकर चौराहा से, आप जैसा कि देख सकते हैं। ये है अम्बेडकर पार्क, और गाड़ी वगैरह आप खड़ी करना चाहें तो उधर देखिए JPNIC है, उसके बगल में आप खड़ी कर सकते हैं। आगे सामने से घुमा के खड़ी करनी होगी, सीधे जाके उधर से यू टर्न लेके आना पड़ेगा हम लोगों को खड़ी करने के लिए गाड़ी। तो यहाँ अंदर हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर दी है, इसका 10 रुपये लगेगा पार्किंग का। और अब हम लोग को रोड क्रॉस करके वहाँ जाना है। दोनों रोड काफ़ी बिजी होते हैं, इसलिए आप देख कर ही रोड क्रॉस किया करिए। चलिए चलते हैं अब उस पार। संडे को काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे, हम लोग को उस साइड जाना है। तो ये है हमारा एंट्री गेट, यहाँ से हम लोग एंट्री करने वाले हैं। उसके बाद हमें लोगों को टिकट लेना है। अभी चलिए पहले अंदर एंट्री करते हैं, उसके बाद अभी अंदर अम्बेडकर पार्क को एक्सप्लोर करेंगे। आप देख सकते हैं यहीं से कितना अच्छा लग रहा है, शाम का टाइम है, अभी मौसम आप देखिए कितना अच्छा है, और व्यू वगैरह भी काफ़ी अच्छा आ रहा है इस टाइम। लोग अंदर आ चुके हैं, ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है अम्बेडकर पार्क का शाम का, आप देख सकते हैं। आज काफ़ी भीड़ है क्योंकि आज संडे भी है, और टिकट लेने के लिए आपको उस साइड जाना पड़ेगा। चलिए आपको टिकट घर लेके चलते हैं। तो ये है अम्बेडकर पार्क का टिकट घर, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अम्बेडकर पार्क की टाइमिंग है सुबह 11 बजे से रात को 9 बजे तक है। तो आप शाम को ही आइएगा यहाँ पे अगर आप गर्मियों में आते हैं, वैसे ठंडी में तो आप कभी भी आ सकते हैं। और यहाँ के टिकट का एक प्राइस है 15 रुपये लगभग, आप जैसा कि देख सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने टिकट ले लिया है और अब चलते हैं अम्बेडकर पार्क के अंदर। तो यहाँ पे टिकट की चेकिंग होती है, यहाँ से आप लोग टिकट का चेकिंग करवा के, यहाँ मेन गेट यही है, आप इधर से एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अंदर एंट्री करते हैं और चल के दिखाते हैं कि अम्बेडकर पार्क कैसा है। यहीं से देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा। तो हम लोग आ चुके हैं अंबेडकर पार्क के अंदर, और अभी हम आपको दिखाते हैं अंदर का पूरा नज़ारा कैसा है। आप देख सकते हैं मौसम भी कितना मस्त है, और आज तो काफ़ी भीड़ है। और अभी हम आपको वहां ऊपर एकदम ले जाके दिखाते हैं। तो अब हमें इतना लंबा घूम के जाना पड़ेगा, ये इतना वहाँ से हम लोग, अभी आपको हमने बोला था वहाँ से आपको उधर से ऊपर ले जाएंगे, लेकिन इधर से रास्ता है, अब इतना लंबा हम लोगों को घूम के जाना है उधर, देख रहे हैं आप। अगर सीधा सीधा बना देते तो क्या दिक्कत थी, हम लोग सीधे ही चले जाते। भारी मिस्टेक हो गया सर। लग रहा है जैसे मेला लगा हुआ, इतनी भीड़ है, आप देख सकते हैं कितने लोग हैं, ऊपर तक बैठे हुए सब। और ये आई है कि हमारे पास किसी की बॉल, और ये किसकी है पता नहीं किसकी है। तो चलिए हम लोग आप ऊपर आपको लेकर चलते हैं इसके अंदर। और मायावती जी का और अंबेडकर जी का स्टैचू है जिसको हम अभी बाद में दिखाएंगे, आपको हम पहले ऊपर लेकर चलते हैं। तो अब मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूँ और वहाँ से दिखाता हूँ कि कैसा लगता है हमारा अंबेडकर पार्क। अभी काफ़ी लंबा हम लोग को ऊपर जाना है, काफ़ी गोल गोल घूम के ही जाना है हम लोगों को। रील्स वगैरह बन रही हैं बाकायदा लखनऊ के इन्फ्लुएंसर्स। ऊपर चलते चलते मैं आपको बता दूं कि अंबेडकर पार्क को बनाने में लगभग 100 करोड़ का खर्चा हुआ था,
जो कि कुछ लोगों को लगता है कि पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ जिससे लखनऊ की काफ़ी फेमस हुआ है, काफ़ी रौनक बढ़ गई लखनऊ की। और ये भी बता दूं कि अंबेडकर पार्क जो है इसको काशीराम जी के सम्मान में बनाया गया था। जुगनू तो बस अब हम लोग ऊपर बस पहुंचने ही वाले हैं, लगभग पहुंच गए हैं। आ गए ऊपर, बस हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं। और अभी आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ से कैसा लगता है। और जिनकी मोहब्बत पूरी नहीं होती वो यहाँ अपना प्यार लिख कर जाते हैं, आदित्य मेरा प्यार चूतिया है। तो दोस्तों अब हम लोग ऊपर आ चुके हैं और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ से कैसा लगता है अंबेडकर पार्क। अभी यहाँ से आपको व्यू दिखाते हैं कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं सामने मेरे, ये देखिए पूरा व्यू अंबेडकर का, यहाँ से पूरा अंबेडकर दिखता है। कितना बढ़िया व्यू लग रहा है शाम का ये, आप जैसा कि देख सकते हैं ऊपर भी सब लोग बैठे हैं, सब देख रहे हैं। अंबेडकर पार्क को बनाने में सिर्फ लाल पत्थर का यूज़ हुआ था और जो फर्श वगैरह बनाया गया था वो सफ़ेद पत्थर से बनाया गया था, जो कि आप देख ही रहे होंगे। चलो अब चलते हैं नीचे और आपको अंबेडकर का दूसरी साइड का व्यू दिखाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू आ रहा है अंबेडकर का। आप यहाँ पे देख सकते हैं हर एक पिलर पे हाथी बने हुए हैं। अब पूरे अंबेडकर पार्क में छोटे और बड़े हाथी मिलाकर लगभग 3000 हाथी हैं पूरे अंबेडकर पार्क में, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लगभग 350 राजस्थानी आर्टिसंस ने यहाँ पे काम किया है, जो कि कारीगरी आपको यहाँ पे दिख रही होगी कितनी सुंदर है। पूरा अंबेडकर पार्क को इतना बढ़िया से बनाया है। तो ये नज़ारा आपको देखकर कुछ याद आ रहा होगा, यहाँ पे काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग हुई है, जैसे यंगिस्तान और जॉली एलएलबी 2 का भी यहाँ पे शूटिंग हुआ है अंबेडकर पार्क में। चलिए अभी वहाँ पे देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या है। एक को तो मैं शायद पहचान रहा हूँ, वो मायावती जी हैं, और एक कौन है उनको मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। चलिए देखते हैं वहाँ पर क्या है। तो इस जगह का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मारक प्रतिबिंब स्थल है इस पूरी जगह का नाम, यहाँ पे जो कि दो स्टैचू लगी हुई आप देख रहे होंगे। और यहाँ पे मुझे लग रहा है अंबेडकर पार्क का पूरा मैप बनाया गया है, काफ़ी बड़ा है। आप चल के एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी प्रतिमा बनाई गई है मायावती जी की। और वो कौन है अभी चल के देखते हैं कि किसकी प्रतिमा बनी हुई है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो प्रतिमा है, इतनी बड़ी जो प्रतिमा बनाई गई है, श्री काशीराम जी की है। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से बनाई गई है, यहाँ पे काशीराम जी की ये प्रतिमा है। और ये है अंबेडकर पार्क का मैप, जो कि आप देख रहे हैं कितना बड़ा है। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, आप ये देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पर फैला हुआ है अंबेडकर पार्क। और मैप को भी कितने बढ़िया तरीके से बनाया गया, कितने डिज़ाइन दिया गए हैं। आप तो हम लोग अभी अंबेडकर के जो पीछे साइड हैं, अभी आपको हम ले चलते हैं उधर अंदर, जो वहाँ पे जहाँ पे मायावती जी की और अंबेडकर जी की स्टैचू बनी हुई है। देखिए फाउंटेन, ये फाउंटेन तो काफ़ी प्यारा लग रहा है देखने में, इतने अच्छे से चल रहा है। तो यहाँ पे पता नहीं क्या खुला है, मुझे भी नहीं पता, चलिए देखते हैं कि अंदर क्या है और आपको भी दिखाते हैं। वहाँ भी जाने का बहुत लंबा भी सफ़र तय करना पड़ेगा। अंदर का भी दरवाज़ा देखिए कितना बड़ा है, इसको खोलने के लिए दो लोग लगते होंगे। ये अंदर का व्यू देखिए कितना प्यारा है यहाँ पे।
जो कॉरिडोर यहाँ पे बना हुआ है कितना खूबसूरत बना है। आइए उधर साइड देखते हैं क्या है। उधर भी मायावती जी की स्टैचू बनी हुई है। ये मायावती जी की स्टैचू और इसके ऊपर का डिज़ाइन देखिए कैसा बना हुआ है, इतना बढ़िया एकदम। और अब चलते हैं, चलिए और बाहर निकलते हैं और दूसरी तरफ का भी अम्बेडकर पार्क को एक्सप्लोर करते हैं। शाम के टाइम भी अंदर इतनी गर्मी है, आप लोग आइएगा तो ठंडी में ही आइएगा। अब बाहर जाके थोड़ी ठंडी लगी, अंदर तो बहुत गर्मी थी। यहाँ का आप लोग व्यू देखिए कितना प्यारा है। शाम के अभी टाइम हो रहा है 7:30 बज रहा है। चलिए अब आपको अंदर लेकर चलते हैं इसके। शाम के टाइम अंबेडकर पार्क बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, जो कि आपको सामने दिख रहा होगा कि कैसा लग रहा है। आप यहाँ अपने फैमिली फ्रेंड्स किसी के भी साथ आ सकते हैं और कोशिश करिएगा कि शाम को ही आइएगा। यहाँ पे बैठ के खिंचा दे, यहाँ थोड़ी खिंचाएँ, वो उधर है। नहीं भाई, छोटा दरवाजा है। हाँ, और वो दिख थोड़ी रहते अंदर अंबेडकर जी बैठे। तो देख सकते हैं आप, यहीं से अंबेडकर जी अंदर विराजमान हैं। आपको अंदर का ले जाके दिखाते हैं। चलिए देखते हैं इसके अंदर किसकी किसकी प्रतिमाएं लगी हुई हैं। आप दरवाज़ा देखिए कितना बड़ा है, बाहुबली के लिए जो दरवाज़ा खोला जाता है उससे भी बड़ा दरवाज़ा है ये। चलिए अब आपको मैं अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ किसकी किसकी प्रतिमाएं लगी हुई हैं। ऐसे देखते तो ऐसे हंसी आ ही जाती भाई। तो मैं आ चुका हूँ अंदर और अब देखते हूँ, दिखाता हूँ कि किसकी किसकी प्रतिमाएं लगी हुई हैं। सबसे आगे तो मुझे लग रहा है कि भीमराव अंबेडकर जी की लगी हुई है। चलता हूँ और आपको पास से दिखाता हूँ। देखिए इतनी बड़ी प्रतिमा लगी हुई है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। और ये अंदर और लोगों की भी, यहाँ बहुत गर्मी लग रही है। एक एक करके मैं अभी सभी को दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे किसकी लगी हुई है, यहाँ पे भी डॉक्टर अंबेडकर जी की लगी है पढ़ाई करते हुए। और इस साइड भी किसी की लगी हुई है। यहाँ पे अंदर मायावती जी की स्टैचू लगी हुई है और जो अंबेडकर पार्क का मैप बना हुआ है यहाँ पे पूरा। और इस साइड भी अंबेडकर जी की फैमिली की शायद बनी हुई है प्रतिमा। आप जैसा कि देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से बनाई गई है। अंदर यार बहुत गर्मी है, अब चलो बाहर चलते हैं। और बाहर ही ठंडा था, फिर से ठंडा था। हाँ ठंडा नहीं, हवा अच्छी चल रही थी। नहीं अंदर सच में बहुत गर्मी है यार। ये क्या बात है। तो आप देख सकते हैं शाम के टाइम अंबेडकर का नज़ारा कुछ इस तरह रहता है। शाम को और ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अगर नहीं भी अच्छी लगी तो उसे कमेंट में करके बताइए कि क्या आपको अच्छा नहीं लगा। हम उसको अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि अच्छा करें। और लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।